तो ये मेरी भांजी है, बहुत ही क्यूट है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इसी का था, और हम दोनों आए थे यहाँ व्लॉग करने के लिए। बेटा बोलो हाय। हाय हाय बोलो। हाय हाय, हाय, ठीक हो आप लोग? ठीक है आप लोग? लाइक ज़रूर कर देना। लाइक जरूर कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो कैसा लगा? तो मेरे भी कर दो, मेरे भी कर दो। मज़ा आ गया। चलो अब घर चलते हैं, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैप लगा के और व्लॉगिंग स्टाइल में पीछे कहाँ जंगल टाइप में घूम रहा हूँ। तो आप लोगों को ये बताना था कि मेरा जो पुराना कैनन का कैमरा था वो मैंने बेच दिया, और मैंने परचेज़ किया है सोनी का नया ये A6400 कैमरा। थोड़ा सा क्योंकि अपन को चाहिए क्वालिटी, तो क्वालिटी मिलेगी सोनी में। तो सोनी पैसे तो लेता है ज़्यादा, लेकिन हाँ क्वालिटी एक नंबर देता है। तो मैंने ये सोनी का कैमरा परचेज़ कर लिया, और इसको मुझे टेस्ट करना था, सीखना भी था। पिछले कुछ दिनों से आईफोन से वीडियो बना रहा था तो थक चुका था। अभी ये मेरे हाथ में आ गया है, तो मैं सोच रहा था कि व्लॉग स्टाइल में एक वीडियो बनाऊँ। हो सकता है मैं डेली से मतलब अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, बकवास वाले नहीं, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाना शुरू करूँ। तो आज के वीडियो में देखेंगे इसी कैमरे के बारे में इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें। और मैंने गाड़ी ली, उठाई घर से, कुछ बच्चों को लिया, और कि चलते हैं व्लॉग करने, मज़ा आएगा। अभी मैं सोनी A6400 से किट लेंस के साथ में 1650 पावर जूम का जो लेंस आता है इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फ्लिप अप स्क्रीन माइक भी लगा रखा है। तो ज़्यादा कुछ फंक्शन इसके मुझे समझ में नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन हाँ मज़ेदार हो सकता है ये, तो देखेंगे। ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी है यहाँ पे, तो मैं इसको धीरे धीरे टेस्ट करना शुरू करता हूँ। इसमें स्लो मोशन भी काफ़ी अच्छा है, इसके नाइट नाइट का जो इसका व्यू है, नाइट रिजल्ट्स होते हैं, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छी है। और अभी मैं जहाँ पर हूँ, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये एक मैं अपने फार्म पर हूँ बेसिकली अभी। और यहाँ पर क्या है कि ये हमारी पूरी ज़मीन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, और सामने अगर आपको नज़र आ जाए तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये टोल टैक्स बना हुआ है, और ये टोल टैक्स है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, जो कि दिल्ली से आता है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो मेरे घर के पास ही है ये हाईवे जो है, इसके मज़े लेते रहते हैं हम यहाँ पे। इसको देख के शाम में काफ़ी अच्छा से फील होता है, लाइट वाइट जलती रहती है, मज़ा आता है। तो अभी आगे चलेंगे हम, और मेरे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, उनके शॉट भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मेरी भांजी भी है मेरे साथ में, बहुत क्यूट सी। सोनी पर अपग्रेड करने के मेरे दो मेन रीज़न थे। सबसे पहला था कि सोनी में जो ये A6400 है इसका 4K क्वालिटी बहुत तगड़ा है। दूसरा इसके पिक्चर प्रोफाइल्स, सिनेमैटिक मोड और ये सब। तीसरा एक और मतलब एडिशनल फीचर कि इसमें हम स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं, इसका स्लो मोशन जो है वो बहुत ही गजब का है। तो मैं आगे स्लो मोशन भी टेस्ट करके देखूंगा इसका कि कैसा लगता है स्लो मोशन। सेट फॉर आर टुडेज व्लॉग। गाड़ी भी ले ली है एंड कैमरा भी है हमारे पास में A6400, बच्चे भी हैं। तो चलते हैं आगे अपने व्लॉग में और देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ अम्मा ठीक है। क्या तो आ जाओ आप भी हमारे साथ, चलो आप भी आ जाओ हमारे साथ। मैंने कल परचेज़ किया था ये सोनी का A6400। बेसिकली मैंने बुकिंग की थी ZV-E10 के लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी मतलब उतना पसंद नहीं आई, तो मैंने परचेज़ कर लिया A6400। इसमें आपका OLED व्यू फाइंडर भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, मतलब अच्छा है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी मुझे ZV-E10 से, और अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। इसकी क्वालिटी कैनन के सामने मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। कैनन मैंने यूज़ किया था 77D, 1500D, 700D, मैंने काफ़ी कैनन यूज़ किया है, मैं कैनन यूज़र ही था। इसका जो मेन्यू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बट आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स, आई डोंट वॉन्ट पीस। तो मुझे मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में, इसको मैं बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करने वाला हूँ, बहुत वीडियोज़ आएंगे अच्छे अच्छे मज़ेदार। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये भी मैं A6400 को यूज़ करके ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं घर से आया था यही इसको टेस्ट करने के लिए कैमरा को, और अपनी गाड़ी भी लेके आया हूँ, और मेरे साथ में बच्चे भी हैं वहाँ पर खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बच्चे खेल रहे हैं। एंड
ये गाड़ी है, गाड़ी को लेकर आया था मैं बाहर थोड़ा सा इसको टेस्ट करने के लिए कैमरा को, एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन और इसको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। अभी मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, ऐसे ऐसे मोड्स हैं कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, बट डेफिनेटली धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। गोवा वाले भी पहला नहीं पे ठंडी ठंडी गोवा वाले ठंडी बियर पियेंगे फोटो खींचे ऐसे कर दो, क्या दो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, शेयर करना।